नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुभाष कौट। आज हम बात करेंगे राजधानी देहरादून की डोईवाला विधानसभा सीट की। आप सोच रहे होंगे डोईवाला विधानसभा सीट के बारे में आज क्या चर्चा होनी है, तो आपको बता दें कि डोईवाला से विधायक और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाईकमान को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में लिखा है कि वो डोईवाला विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, यानी कि वो इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। वो केवल चाहते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी में वो पार्टी को फिर से विजयी बनाए और उत्तराखंड में भाजपा का परचम फिर से लहराएं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार डोईवाला से त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं तो फिर इस बार कौन? और इसी कश्मोकश में भाजपा भी इन दिनों डोईवाला के लिए एक चेहरा तराशने की कोशिश कर रही है। लेकिन भाजपा के लिए केवल डोईवाला ही नहीं बल्कि कोटद्वार सीट भी बहुत कश्मोकश भरी है, क्योंकि सीट से जो विधायक थे वो थे हरक सिंह रावत, जिनको भाजपा ने अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया और 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया। अब बड़ा सवाल ये कि कोटद्वार और डोईवाला जो महत्वपूर्ण 2 सीटें हैं, इन सीटों से चुनाव कौन लड़ेगा? इन सीटों पर वो मजबूत दावेदार कौन होगा जो दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को करारी हार दे सके? क्योंकि ये माना जाता है कि डोईवाला विधानसभा सीट भाजपा की घर की सीट है। ये वो सीट है जिस पर भाजपा का वोट शेयर बहुत ज़्यादा है और लगातार भाजपा इस सीट से जीतती हुई आई है। लेकिन क्या इस बार भाजपा इस सीट गंवा सकती है, या फिर भाजपा इस सीट पर इस बार कोई बड़ा कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही है? ये समीकरण भी समझने बहुत ज़रूरी हैं कि डोईवाला विधानसभा सीट पर ही सबकी नज़र क्यों रहती है। पिछले दिनों ये भी सुना गया कि धन सिंह रावत जो मंत्री हैं सरकार में, वो डोईवाला से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो डोईवाला से चुनाव लड़ें। लेकिन क्या धन सिंह रावत वो नेता होंगे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद डोईवाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, या फिर भाजपा को एक बड़े चेहरे का इंतज़ार इस सीट पर अभी भी है? लेकिन यदि धन सिंह रावत को डोईवाला से लड़ाया जाता है तो फिर श्रीनगर विधानसभा सीट का क्या होगा, जिस सीट पर कांग्रेस के भी बड़े नेता यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मैदान में उतरे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सरकार के सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को चुनाव में हराएं। यदि धन सिंह रावत सीट बदलते हैं, वो डोईवाला पहुंचते हैं, तो फिर श्रीनगर सीट का क्या होगा, ये भी बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन सवाल अभी ये कि डोईवाला विधानसभा सीट और कोटद्वार विधानसभा सीट, जिन दोनों ही सीटों पर भाजपा के विधायक थे, दोनों ही सीटों पर भाजपा का वर्चस्व था, दोनों ही सीटों पर भाजपा उम्मीद कर रही थी कि ये दोनों सीटें 2022 में भाजपा के ही कब्जे में आएंगी। अब ये दोनों ही सीटों पर भाजपा कहीं ना कहीं उलझनों में इन दिनों उलझी हुई है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि डोईवाला विधानसभा सीट से कौन सा वो बड़ा चेहरा होगा, कौन सा वो बड़ा नेता होगा जो चुनाव लड़ेगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला से विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्र में बिल्कुल साफ लिखा है कि वो इस बार इच्छा जाहिर नहीं करते हैं उस सीट से चुनाव लड़ने की, और वो चाहते भी नहीं है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े। और उन्होंने उस पत्र में बिल्कुल साफ लिखा कि डोईवाला की जो जनता है उन्होंने भरपूर प्यार उन्हें दिया, भरपूर सम्मान उन्हें दिया, और उस सीट की बदौलत ही वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन वो चाहते हैं कि वो पार्टी का कामकाज संभाले और 2022 में भाजपा को एक बार फिर बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार करें, और वो खुद इस बार चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं करते हैं। वहीं दूसरी बात ये भी है कि कोटद्वार से जो विधायक थे, जी हां, हरक सिंह रावत, जो अब भाजपा में नहीं हैं, वो तैयारी कर रहे हैं डोईवाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन अभी वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं। तो सवाल ये भी बनता है कि यदि कांग्रेस से हरक सिंह रावत को टिकट मिलता है तो वो डोईवाला से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भाजपा के पास इस समय डोईवाला सीट पर कोई बड़ा चेहरा उनको नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डोईवाला सीट 2022 के विधानसभा चुनाव में एक हॉट सीट बनती भी आपको दिखेगी। लेकिन इंतज़ार अब करना होगा कि इस बार डोईवाला विधानसभा सीट से चुनाव कौन लड़ता है।
वो कौन सा चेहरा है जो भाजपा को पसंद आता है, जिस पर भाजपा भरोसा करती है। लेकिन सवाल ये भी कि यदि हरक सिंह रावत डोईवाला से चुनाव लड़ते हैं तो वो कौन सा चेहरा होगा जो हरक सिंह रावत को हराने के लिए डोईवाला में भाजपा का झंडा उठाएगा और चुनाव के मैदान में उतरेगा। ऐसी ही और भी अन्य जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।